बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक दल जीत के लिए बिसात बिछाने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। महिलाओं और नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसमें शिक्षकों के बहाने उनकी सियासत की झलक साफ नजर आती है। चुनाव से पहले जनता पुकार लगाकर थक जाती है, लेकिन सरकार उम्मीद की आस नहीं जगाती है। जनता मांगों को लेकर सड़क पर उतर आती है, लेकिन सरकार नींद से नहीं जागती है। मगर जैसे ही चुनावी आहट सुनाई देती है, वैसे ही सरकार की नींद खुलने लगती है और फिर जनता की फिक्र सताती है। जैसे अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सता रही है, इसीलिए तो उन्होंने चुनाव नजदीक आते ही नियोजित शिक्षकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक नियमावली में प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसके तहत हर नियोजित शिक्षक को अपने पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ मिलेगा। वहीं महिला शिक्षकों को केंद्र सरकार के कर्मियों की तर्ज पर 180 दिन की मैटरनिटी लीव की सुविधा भी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त, शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों की टीम लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के सभी स्कूलों के शिक्षक अभी तक बिना सेवा शर्त नियमावली के ही कार्य कर रहे हैं। अगर सरकार इसे लागू करती है तो 3,75,000 शिक्षकों को इस सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलने लगेगा, और अगर जनता को लाभ मिलेगा तो जाहिर है कि सरकार का फायदा भी जरूर होगा। इसीलिए तो चुनाव नजदीक आते ही नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।